तो दोस्तों, जैसा कि हमारे व्यूअर्स की रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही हैं कि साइलेज के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो हम इस वीडियो में आपके साथ साइलेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है कि साइलेज क्या है और इसे क्यों बनाते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है। हरा चारा पशुओं के लिए पोषक तत्व का एक इम्पॉर्टेंट स्रोत माना जाता है, लेकिन ये हर समय अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो साइलेज में हरे चारे को जो है संरक्षित रखा जाता है। साइलेज में जो मॉइस्चर होता है उसकी तादाद लगभग 65 से 70% होती है। साइलेज बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट रिच जो क्रॉप्स होती हैं उनकी कुट्टी बना के 45 से 50 दिन तक वायु रहित यानी कि अनएरोबिक कंडीशंस में रखा जाता है। ऐसा करने से जो उसमें शुगर होती है क्रॉप में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और वो आगे चल के प्रिजर्वेटिव का काम करती है इसी चारे के लिए। अगर आप इसको प्रॉपर स्टोर करेंगे साइलेज को, तो ये 2 साल तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न दर्शकों ने पूछा है कि साइलेज में कौन से क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी क्रॉप्स शुगर रिच रहते हैं जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सभी क्रॉप्स को आप साइलेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी आपके अपने एरिया में। इस वीडियो में हमने बरार डेयरी फार्म डिस्ट्रिक्ट मोगा में बनाए गए साइलेज को कवर किया है। हमने फार्म के ओनर से साइलेज के बारे में बात भी की है, तो आइए आपकी बात कराते हैं फार्म के ओनर के साथ। ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह जी, पिंड कोलिया कला। अच्छा जी, डेयरी फार्म। केड़ा डेयरी, क्या नाम डेयरी फार्म का जी? बरार डेयरी फार्म है जी। बरार डेयरी फार्म, गांव कौन सा जी? है जी मोगा जी। मोगा, हाँ जी, पिंड कोलिया कला। हाँ जी, तो बरार डेयरी फार्म है जी साडा, ते तकरीबन 125 पशु दा सी जिहड़ा एनिमल आ साडे कोल। हाँ जी, ते आ सी मक्की दा सैलन जिहा हैगा। हाँ जी, ते आ इधर असी कणक दा सैलन पाया, 10-12 दिन हो गए। अच्छा जी, ते नाल नाल असी हरा चारा जिहड़ा हैगा ओह यूज करदे आ। ठीक है। हाँ जी, ते अद्धा सैलन पाउने आ, अद्धा हरा चारा पाउने आ। अच्छा, ए साइलेज किन्ने दिन पहले तैयार कीता सी जी? ए तां तकरीबन साल होण वाला जी, इहनू 1 साल पुराना सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ते कणक दा हजे तैयार करे नू 10 दिन ही होए आ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਸਾਇਲੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਹੂੰ ਕਾ ਹੈ ਸਾਇਲੇਜ, ਉਸਮੇ ਗੇਹੂੰ ਕਾ ਸਾਇਲੇਜ ਕਾਟ ਕੇ ਦਬਾ ਰੱਖਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹਮ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਸਾਇਲੇਜ ਕੈਸੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।